हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बढ़िया, बहुत बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ गाइस, सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइस, मोबाइल फोन्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा टॉप 5 मोबाइल फोन्स अंडर 15,000, मतलब 15,000 तक के जो भी टॉप 5 मोबाइल फोन्स है जो अगस्त महीने में लॉन्च हुए हैं, आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सो अगर आप भी मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हो या खरीदने की सोच रहे हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिएगा। सो आपको एक मोबाइल खरीदने का एक बेटर आइडिया आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल खरीदने चाहते हो तो आप मतलब क्या सोचते हो, मतलब आपके मोबाइल, आप सोचते हैं कि मोबाइल का फीचर्स ये रहेगा, इसमें वो मोबाइल का कैमरा ऐसा रहेगा या मोबाइल की बैटरी ऐसी रहेगी? गाइज, मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ कि अगर मैं कभी मोबाइल फ़ोन खरीदने चाहता हूँ तो मैं उसमें कुछ चीज़ें देखता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डिसीजन लेता हूँ। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, मे बी आपका अलग हो सकता है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर कभी मैं फ़ोन खरीदने जाऊँगा तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा मेरा बजट। सो मेरा बजट देखा है 15,000 का, तो मैं उसमें देखूंगा कि मतलब उसमें जो फ़ोन मुझे लेना है उसके फीचर्स में ये होना चाहिए। लाइक उसका डिस्प्ले देखूंगा, उसका प्रोसेसर देखूंगा, उसकी बैटरी देखूंगा, उसका कैमरा देखूंगा, उसका स्टोरेज देखूंगा। ये मेन फीचर्स है जो मुझे मेरे फ़ोन में चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ टॉप 5 फोन्स के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ अगर आप फ़ोन लेने चाह रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे कूल वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। गाइस, इतनी मेहनत करते हैं तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, उसमें आपको कुछ जाएगा थोड़ी। सो वीडियो पूरी देखिएगा। सो इस लिस्ट में हमारा पहला फ़ोन है पोको M2 Pro। जी हाँ गाइस, ये इसका जो डिस्प्ले है 6.7 इंचेस डिस्प्ले है। देन इसका अगर प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बहुत ही बेस्ट है। और अगर इसे कैमरे की बात करें तो इसमें 4 कैमरा पीछे है, 48+8+5+2, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल देता है जो कि बहुत ही कूल फोटोज आती है। अगर इसका प्रोसेसर इतना अच्छा है तो इसमें गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा, तो अगर आप गेमर हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। बात करेगा स्टोरेज की तो स्टोरेज 4x64 और 6x128 दोनों में अवेलेबल है ये। और अगर इसकी बात करें हम बैटरी की तो 5000 mAh बैटरी देता है गाइस, जो कि बहुत ही बढ़िया बैटरी है। इसकी प्राइस अगर देखेंगे तो आप खाली 13,999। सो गाइस, अगर आप भी फ़ोन लेना चाहते हो तो एक बार ये फ़ोन ट्राई कीजिए, इसके बारे में पढ़िए तो आपको बहुत बेस्ट लगेगा। सो हमारा दूसरा फ़ोन है Realme Narzo 10। जी हाँ गाइस, ये जो फ़ोन है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले देता है। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G80 प्रोसेसर है गाइस, ये न्यू प्रोसेसर है जो Realme Narzo 10 में दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके कैमरे की तो इसका कैमरा 4 कैमरा है पीछे, 48+8+2+2, और फ्रंट अगर देखा जाए तो 16 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट का है। सो गाइस, देखा आपने दोनों फ़ोन का इंस्टॉल, दोनों फ़ोन में सिमिलरिटी क्या है और दोनों फ़ोन के फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, अगर इसमें देखेंगे तो दोनों फ़ोन में सेंसर है, फिंगरप्रिंट स्क्रीन सेंसर है, तो उसके लिए आपको फिकर करने की ज़रूरत नहीं। और इसका अगर स्टोरेज चेक करो तो 4GB रैम में भी अवेलेबल है, 6 में भी अवेलेबल है। और इसकी भी बैटरी देखा जाए तो 5000 mAh बैटरी है, और इसका भी नियरली अप्रॉक्सीमेट जो MRP है 11,999। गाइज, मैं आपको जो MRP बता रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट MRP आपको 500 या 1000 रुपये कुछ डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। सो चलते हैं थर्ड फोन की तरफ। थर्ड फोन है हमारा Realme 6। इसका अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच फुल HD डिस्प्ले है गाइज। और प्रोसेसर देखा जाए तो MediaTek Helio G90T प्रोसेसर है। Realme Narzo का G80 था, इसका G90, मतलब इसका प्रोसेसर बढ़िया है। और अगर स्टोरेज देखा जाए तो स्टोरेज दोनों सेम है, लेकिन इसमें आप 256GB तक आप एक्सपैंड कर सकते हो आपका स्टोरेज। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप उसमें भी ये भी कर सकते हो। और अगर बात करें हम इसके कैमरे की तो इसमें भी पीछे 4 कैमरा विथ फिंगरप्रिंट सेंसर, 4 कैमरे में 64/8/22 ये रियर है और 16 मेगापिक्सल फ्रंट है। और लेकिन इसकी बैटरी देखा जाए तो पिछले दोनों फ़ोन के मुकाबले थोड़ा कम है, 43,000 mAh बैटरी है। और प्राइस भी देखा जाए तो इन शॉर्ट सेम ही है, 11,999। तो बेटर सजेस्ट करूँगा कि आप Narzo को चाहिए, आप ये इसका Realme 6 पे मत जाइए, बिकॉज दोनों का MRP सेम ही है। सो बढ़ते हैं हमारे चौथे फ़ोन की तरफ। चौथा फ़ोन जो है वो Redmi Note 8 है गाइस। जी हाँ, Redmi Note 8 Pro का जो है वो 17 है, तो उसके लिए मैंने उसे लिस्ट में नहीं लिया है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 फुल HD डिस्प्ले है। और इसका प्रोसेसर अगर देखा जाए तो Qualcomm Snapdragon 665, मतलब 2 GHz प्रोसेसर है। और स्टोरेज की बात करें तो 664, और ये 512GB, मतलब Realme 6 से बेटर है, बिकॉज ये 256 था, ये 512GB, मतलब आप इसमें एक्सपैंड कर सकते हो। बात करें इसके कैमरे की तो इसके कैमरे में अगर देखा जाए तो 48/8/22,
लेकिन अगर आप रियलमी सिक्स में देखेंगे तो 64 था वहाँ पे, और इसकी बैटरी मतलब उससे कम है, 4000 mAh बैटरी है, लेकिन इसका प्राइस देखा जाएगा तो अप्रॉक्सीमेट 13,999। तो गाइस आप कंपैरिजन कर सकते हो फोन्स में कि मतलब कौन सा फ़ोन, फीचर्स आपको सब बता दिया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए गाइस। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ़ोन और लास्ट फ़ोन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट फ़ोन जो है ओप्पो A9 है, 2020 का मॉडल है गाइस, ये भी अगस्त में ही लॉन्च हुआ है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है जो बहुत ही कूल दिखता है, और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो कॉलकॉम SM6125 प्रोसेसर है, और स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम प्लस 4+64 एंड 8+128 में आपको ये अवेलेबल मिलेगा मार्केट में गाइज। तो देखा जाए तो कंपैरिजन में मतलब थोड़ा छोटा फ़ोन है, बट अगर आप स्टार्टिंग के फ़ोन्स में जाएंगे तो बहुत बेटर है। इसका कैमरा अगर देखा जाए तो उतना कूल ही है, मतलब फिर भी 48822 और 16 MP फ्रंट कैमरा, लेकिन बैटरी 5000 mAh दे रहा है गाइस। अगर आप बैटरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो आपके लिए बहुत बेटर है, और इसका भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 13,999 है गाइस। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फ़ोन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो गाइस प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अगर कोई फ़ोन लेने जा रहा हो तो उनको ये वीडियो मतलब हेल्पफुल हो सकती है। फ्रेंड्स अगर आप भी फ़ोन लेने जा रहे हो तो एक बार ये वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। सो लेता हूँ अभी अलविदा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए और देखते रहिए टेक्निकल इंसान।